नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक नई खबर के निकल के आ रही है, एक बहुत बड़ी अपडेट है। रेलवे ग्रुप डी वालों के एग्जाम 17 अगस्त से ही शुरू हो रहे हैं। आरआरबी मुंबई ने आज एक नोटिस जारी करके भी बताया है, तो चलिए हम आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं CEN नंबर RRC 01 2019 लेवल 1 पोस्ट के लिए नोटिस आई है। जैसे NTPC के एग्ज़ाम कई फेज़ में हुए थे, ठीक उसी प्रकार अपना जो रेलवे ग्रुप डी है वो भी अपने एग्ज़ाम कई फेज़ में लेने वाला है। तो फर्स्ट फेज़ की डेट घोषित कर दिया है, जिसमें क्या लिखा, पहला नंबर आप देख सकते हैं कि CBT ऑफ एबव CEN विल बी हेल्ड ऑन मल्टीपल फेजेस। कई फेज़ में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अकॉर्डिंगली द फर्स्ट फेज ऑफ द एग्ज़ाम फेज फर्स्ट विल बी हेल्ड फ्रॉम 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आपका पहले फेज़ का एग्ज़ाम होगा। सब्जेक्ट टू द प्रिवलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड बाई फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन द व्यू हैंडलिंग ऑफ COVID-19 पेंडेमिक, जिससे COVID-19 की जो सुरक्षा है वो भी बनी रहे। आप मुख्य रूप से डेट ध्यान रखेंगे, 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक का आपका पहले फेज का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर इसमें यह भी बता दिया है कि पहले फेज में किसके किसके एग्जाम होंगे। इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, द CBT हैज बीन प्लान्ड इन मल्टीपल फेजेस बाई ग्रुपिंग डिफरेंट RCS, हेंस फेज फर्स्ट विल बी हेल्ड इन वेरियस सिटीज ऑल ओवर इंडिया फॉर अ ग्रुप कंप्रेजिंग ऑफ द 3 RRCs, नेमली RRCS ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। इनके एग्जाम पहले फेज में होंगे, इनको जरूर अच्छे से पढ़ लें। साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इनके एग्जाम फर्स्ट फेज में होना है। फिर क्या है, एग्जाम शेड्यूल ऑफ रिमेनिंग फेज RRC विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। फिर ये STSC के लिए दिया हुआ है कि 9 तारीख से आपके एडमिट कार्ड निकलना चालू हो जाएंगे, जिसमें आप डेट और सिटी देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है और किस सिटी में है। और आपका जो ई कॉल लेटर है वो एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आप उसको निकाल पाएंगे, जिससे आपको सेंटर पता चल जाएगा कौन से स्कूल या कॉलेज में है। आधार लिंकड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्ज़ाम सेंटर प्रियोर टू एंट्री इन द एग्ज़ाम हॉल। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड, यानी आपका जो आधार से बायोमेट्रिक होगा आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना होगा। फिर क्या बोल रहा है, आधार ये हो गया है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs फॉर द लेटेस्ट अपडेट, यानी RRB के जो ऑफिशियल अपडेट के लिए RRB की वेबसाइट पे ही लॉगिन करें, किसी फेक न्यूज़ के चक्कर में ना पड़ें। प्लीज़ डू नॉट बी मिसलेड बाई अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेस, बी वेयर ऑफ टूट्स हु ट्राई द मिसगाइड कैंडिडेट्स विथ फेक प्रोमिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब्स इन इलीगल कंसिडरेशन। RRB सेलेक्शन आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड एंड रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी जो रेलवे अपनी भर्ती करेगा वो किसी के, मतलब जैसे आपको कोई बता सकते हैं पैसे दीजिए हम आपका इतना काम करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जो रेलवे अपना एग्ज़ाम लेगी उसी मेरिट के आधार पर अपनी भर्ती पूरी करेगी, यानी किसी के बहकावे में ना आए, तैयारी अच्छे से करें और मन लगा के पढ़ते रहें। यहाँ पे आप देख लेंगे 5 अगस्त को ये नोटिस जारी हुई है, यानी एग्ज़ाम का अब लगभग क्लियर हो गया है कि एग्ज़ाम 17 अगस्त से ही होंगे। जिसका फर्स्ट फेज में डेट होगी वो 9 अगस्त से अपने एडमिट कार्ड देख सकेंगे, जिसमें आपको टाइम और शेड्यूल पता चल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यदि कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो वो आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।